तो गाइस आज हम लोग आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप नेचर बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। इतना ज़्यादा नेचुरल मतलब यहाँ पर वेदर है, वेदर फोरकास्ट भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब नेचर वाला है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एक बहुत एशियन फील मिलेगा सोनेरी महल नाम से। और गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी रहती है। मंदिर भी आपको एकदम ऑथेंटिक फील होगी आपको। और सोनेरी महल आपको मतलब सोनेरी महल एक बहुत पुराना बिल्डिंग है जहाँ पर लोग भी कई बार जा चुके हैं इसके पास। जब आप जाते हैं सोनेरी महल के पास तब यहाँ पर एकदम मतलब कुछ अलग ही फील होगा आपके बॉडी में, एक अलग सी एक्साइटमेंट होगी कि ये एकदम एशियन फील लग रहा है यार, इसके अंदर क्या क्या होगा देखते हैं। चलो अंदर आपको फ़ोटो निकालने को अलाउड नहीं रहेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन आप अंदर जाके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और इसकी एंट्रेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा है, देखो ग्रीनरी दिख जाएगी आपको। इसके बाजू में भी आपको मिल जाएगा। हाँ ये एक बिल्ड है गोगा बाबा टेकरी करके, एक माउंटेन है यहाँ पे। हम इसके ऊपर एक बार बहुत मतलब ऊपर गए थे, ऊपर जो झंडा वाला मतलब वो मंदिर है वहाँ तक हम गए थे क्लाइंबिंग करके। एक मतलब ये यूनिवर्सिटी के अंदर है, विद्यापीठ गेट नाम का बहुत बड़ा फेमस मतलब विद्यापीठ गेट करके गेट है, उसको यूनिवर्सिटी नाम से पुकारा जाता है। और मिलिंद कॉलेज जिसमें हमारे बीआर अंबेडकर जी ने मतलब उनकी देख रेख में वो कॉलेज जो है वो बना था। ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका कुछ मतलब ये मतलब एंट्रेंस पार्ट है। यहाँ पर आपको एक जंगल मतलब जंगल टाइप है ये, यहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स दिख सकते हैं, मोर आपको रेयरली दिख जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं 9 साल का हूँ ना, तो 8 या फिर 7 साल पहले हम यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर मैं मेरे दादा दादी के साथ आता था, और यहाँ पर हमें बहुत सारे मोर दिखाई दिया करते थे। और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा मतलब ये जो हमारा डॉक्टर बी आर विद्यापीठ गेट हो गए हैं, और उसका नामकरण दिवस भी एकदम अच्छे से मनाया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, और मतलब यहाँ पर बी आर अम्बेडकर खुद रहा करते थे। अभी अभी गेट का रिनोवेशन भी हुआ था यहाँ पर, ये गेट के बाजू में प्लांट्स भी लगाए गए थे। और उसके बाजू में ये जो पीपल का पूरा पेड़ दिख रहा है ये बड़ा सा, ये मेरे दादा ने खुद मतलब लगाया, नाना ने खुद लगाया था। गाइस ये बहुत बड़ा पेड़ है, अब जब मैं छोटा था तब हम यहाँ इसको पानी मतलब डालने के लिए जाते थे। आज के व्लॉग में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।